चलिए गाइस, फाइनली हमारे जो स्प्रिंग रोल हैं ये हो गए हैं बनके तैयार, एकदम मसालेदार मजेदार कुरकुरे वाले, साथ में शेजवान चटनी, मजा आ गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत, बहुत बढ़िया और बहुत बिंदास तरीके से। और गाइस, ये जो मेरा व्लॉग बन रहा है ये बन रहा है शाम के टाइम पे। फिर मैंने सोचा गाइस कि मौसम इतना प्यारा हो रहा है, देखिए आप, है ना, इतना प्यारा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं, और देखिए गाइस हल्की हल्की बारिश छींटे पड़ने शुरू हो चुके हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसे मौसम का फायदा उठाया जाए और कुछ कुक किया जाए। तो गाइस आज मैं बनाने वाला हूँ पहली बार अपने घर में स्प्रिंग रोल, क्योंकि गाइस आज से पहले मैंने स्प्रिंग रोल खाए तो बहुत है मार्केट के, लेकिन कभी घर में बनाए नहीं। तो गाइस मैं उम्मीद करूंगा जो मेरे स्प्रिंग रोल आज के अच्छे बनेंगे और जो मेरी रेसिपी है वो आप सब लोग को अच्छी लगेगी। फिलहाल तो गाइस मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए। गाजर, गोभी और प्याज तो है घर में, शिमला मिर्च नहीं है, फ्रांस भी नहीं है, तो ये दो तीन आइटम है जो मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। चलिए गाइस मार्केट चलते हैं हल्की हल्की बारिश में। चलिए गाइस हमारी हायाबुसा तैयार, अब चलते हैं। तो गाइस अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो एक भैया और भाभी जा रहे हैं स्कूटी में, भाभी जी स्कूटी से चल करके सीधे रोड में खड़ी हो गई, उनके हाथ में बच्चा भी था, चलो बच गए दोनों बाल बाल। सो गाइस यहाँ से मिल जाएंगे सब्जियाँ। सो गाइस शिमला मिर्च ले लिए, फ्रांस बीन, अब लेते हैं थोड़े से नूडल्स। वैसे गाइस नूडल्स डालना है ऑप्शन है, अगर आप बनाते हैं गाइस तो डाल भी सकते हो नहीं भी, लेकिन मेरा सीन ये है कि अगर मैं कुछ भी पकाता हूँ ना तो कुछ चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, हर चीज़ डालनी चाहिए उसमें इंग्रेडिएंट्स में, और कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करता मैं टेस्ट के मामले से बिल्कुल भी नहीं। गाइस नूडल्स का पैकेट भी ले लिया, अब चलते हैं फाइनली घर। और पता क्या, जब भी मैं साइकिल में कुछ सामान रख रहा हूँ ना तो जेब में हाथ डाल के चाबी ढूंढ रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है कि अरे मैं स्कूटी में थोड़ी गया हूँ, साइकिल में आया हूँ। सो गाइस हमारे नूडल्स और ये गए हमारे गर्मा गर्म उबलते हुए पानी में। सो चलिए गाइस जलाते अपनी गैस, और सब्जियाँ सारी कट चुकी हैं मेरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रांस बीन, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, थोड़े से नूडल्स और बंद गोभी। सो गाइस शुरू करते हैं, पहले डालते हैं इसमें जरा सा तेल जीरे का तड़का, अब डालते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब डालेंगे इसमें प्याज, अब गोभी डाल देते हैं कोई बात नहीं। सो गाइस डाल चुकी इसमें गाजर, और गाइस लास्ट में मैंने डाल दी इसमें फ्रांस बीन और शिमला मिर्च। सो गाइस नूडल्स भी डाल दिए मैंने इसमें। तो गाइस करते हैं गैस बंद, और ये देखिए ये जो हमारी फिलिंग है ये बन के हो गई तैयार। सो चलिए गाइस स्प्रिंग रोल के लिए अब तैयारी करते हैं। ये मैंने डाल दिया इसमें मैदा, थोड़ा सा डालते हैं इसमें गाइस नमक, लगभग आधा चम्मच के आसपास, और कंसिस्टेंसी कैसी हुई गाइस मैं बताता हूँ अभी आपको। सो गाइस देखिए पेपर के लिए यानी कि जो हमारे स्प्रिंग रोल के रोल हैं उसके लिए मैदा की जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं किस तरह की होनी चाहिए। अब गाइस डालेंगे थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा, लेते हैं अन्नपूर्णा देवी का नाम, और सो चलिए गाइस फाइनली हमारे स्प्रिंग रोल हो गए हैं बन गया तैयार। और गाइस मैं आ गया हूँ थोड़ी देर के लिए ऊपर, खड़े खड़े ने गाइस पैरों में बड़ा दर्द हो गया, तो पहले पूजा पाठ वगैरह करते हैं गाइस, फिर इसको फ्राई करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कैसे बने। सो चलिए गाइस फाइनली पूजा पाठ भी हमारी समाप्त हुई, और चलते हैं गाइस नीचे, अब बनाते हैं अपने स्प्रिंग रोल। राजू पता है मैंने आज क्या बनाया? हाँ। क्या बनाया? स्प्रिंग रोल। नहीं नहीं स्प्रिंग रोल। राजू बारिश आ गई, सब जगह गीला गीला हो गया ना। सो गाइस हमारा तेल लगभग गर्म हो ही चुका है, तो चलिए गाइस लेते हैं अन्नपूर्णा देवी का नाम, और ये हमारा पहला स्प्रिंग रोल गाइस। जय अन्नपूर्णा देवी। सो गाइस आप देख सकते हैं कितने गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे गाइस क्रिस्पी स्प्रिंग रोल। देखिए गाइस वाओ मजा आ गया, देखिए वाओ। सो चलिए गाइस फाइनली हमारे जो स्प्रिंग रोल हैं ये हो गए हैं बनके तैयार, अब करते गाइस इनकी बढ़िया वाली कटिंग छोटे छोटे पीसों में। सो लीजिए गाइस फाइनली हमारे स्प्रिंग रोल हो गए हैं बनके तैयार, एकदम मसालेदार मजेदार कुरकुरे वाले, साथ में शेजवान चटनी। चलो चाचू शाबाश, वेलकम वेलकम, बताइएगा कैसा बना है।
पहाड़ देखो।